Welcome to His Highness. मेहमानों खुसूसी और दिगर मेहमान को बुके फूलों से मिले हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब, हम सब आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज किशनगंज में आप तशरीफ लाए और आप हम सब के सामने कुछ फरमाएंगे और उनसे हमें कोशिश की जाए इस्लाम कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी का सभी कॉलेज बीएड एमएड डिप्लोमा जो भी हो वो उसका एक खुल जाए शिक्षा नगर में कॉलेज में। और मैंने उनसे ये कहा था कि मैं एक महीने के अंदर उनको ऐसा तैयार कर दूंगा इंशाअल्लाह कि मुझे फिर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हीं लोगों में से कोई प्रोफेसर लेक्चर बन जाए और वो अपना कॉलेज को चलाएंगे। तो इन बातों की रोशनी में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप से हम लोग की हिम्मत का जाय करें, अपना आपको आगे बढ़ाए, चिराग हर घर से जले और यहाँ के लड़के और लड़कियाँ खूब आगे बढ़े, जहालत दूर हो और जहालत दूर होने से गुरबत दूर हो। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ कि कॉलेज की यूनिवर्सिटी हो जाए और एक ट्रेनिंग कॉलेज लड़कियों का गर्ल्स ट्रेनिंग कॉलेज हो जाए जिसमें सही मांगों में तालीम दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही भाई ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। काफी चेयरमैन कायनात फाउंडेशन दोहा एंड मिस्टर अब्दुल अहद एजुकेशन कोऑर्डिनेटर किशनगंज टू अकंपनी हिज हाइनेस। शकील काफी साहब कायनात फाउंडेशन के चेयरमैन जो इंटरनेशनल दोहा में हैं, आप उनके साथ हैं। मैं शकील साहब से दरख्वास्त करता हूं। ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी मोहतरम इज्जत महाब जनाब सैयद भाई, मोहतरम एमएलए साहबान, वाइस चांसलर साहब, जनाब डीएम साहब, एसपी साहब, जसवाल साहब, दिलीप साहब, अहद भाई, मजाहिर भाई, प्रसाद भाई, शौकत भाई, अमान भाई और बहुत सारे भाई 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 और सारे इंसान भाई, वो कि मैं इंसान स्कूल ने हमारी परवरिश की है और जिस वक्त भी मैं तराना सुन रहा था इंसान बनेंगे हम इंसान बनाएंगे, तो मैं उसी धुन में गुम था जिसमें 1984 में मैं यहां था। आने से पहले मेरा दिल धड़क रहा था और ये शेर बेसाख्ता निकल रहे थे, कह दरिया नकर पुल मिसमार मेरे, ऐ दरिया नकर पुल। मोहतरम हजरात हमारे मजाहिर भाई जिन्होंने हमें चलना सिखाया, मेहता भाई जिन्होंने बोलना सिखाया, ये हमारे उस्ताद यहां मौजूद हैं। मेरी ये सलाहियत नहीं है, जरूरत नहीं कि मैं कुछ ज्यादा बोल सकूं, लेकिन हाँ इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सैयद भाई का जो हमीयत करते हैं कि इंशाअल्लाह सैयद भाई की जिंदगी में जब यहाँ पे मौजूद गवर्नर साहब हैं तो उनकी वो ख्वाब जो इन्होंने देखा था और जो ख्वाब जो इरादा जो इनका है इंशाअल्लाह इनकी जिंदगी में वो पूरा होगा। हजार में ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन असातिज़ा ने कुर्बानियों को देकर आज इस इंसान स्कूल को यहां तक पहुंचाया है, वैसे नागुजीर हालात में जिस वक्त ऐसा लगता था कि दौरे खरत है दौरे जुनू, इस दौर में जीना मुश्किल है, जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है, मैं चाहूंगा उनकी नजर, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, हाँ एक शेर नजर करना चाहता हूं कि जब बदल रहे थे हालात तो बदलना पड़ा मुझे और होने लगी मध्यम लौ तो जलना पड़ा मुझे। ये असाज़ा का पूरे जिगर था जिन्होंने कुर्बानियों को देकर सैयद भाई के शाने से शाना मिलाया और उनके साथ चल करके आज इंसान स्कूल को इस लहर तक पहुंचाया
कि मोहतरम इज्जत माफ जनाब गवर्नर साहब भी यहाँ आने के लिए अपनी रजामंदी उम्मीद करते हैं कि सेठ भाई ने जो दरख्वास्त की है वो भरपूर तरीके से उसको पूरा किया जाए। That all the poor children, all the low-income people, they have to get an education at their doorstep. That is why Mr. Syed Hassan got transferred from the USA. He was living a full-fledged life, but he sacrificed everything. He was associated with the Jamia Millia Islamia, New Delhi, during the Zakir Hussain's time. And then he sacrificed everything. He selected the place, Kishanganj, where only the 3% literacy rate was there. And that time he came, he was quite young, charming personality. And then he has dedicated himself only to just bring the quality education at the doorstep, to just give a support to all the children. This is a symbolic representation from my side and all the people, those who are living abroad. So His Excellency, I request you to please honor this small child, so it will be the honor for the, all the children, those who are studying in the Kishanganj. His Excellency, his aide is working here dedicatedly. So on my behalf and on the behalf of all teaching community, I want to honor all the teachers, because I was a teacher here. So I want to present one small token of love to the board. Mr. Ahad, please can you receive it on the behalf of all my teachers and son teachers, and anywhere in the part of the world they are the teachers. Ahad bhai, please. I can understand your feeling. May I be a sasakusum sakam. तमाम लोगों को बिना किसी जात मजहब मिल्लत के उन्होंने सुमो दिया इसमें, और पूरे कल्चर को उन्होंने डेवलप किया। ही हैज डेवलप्ड अ कल्चर हिज एक्सेलेंसी, सो दिस इज अ टोकन ऑफ लव एज अ फाउंडर टू डॉक्टर सैयद हसन। दोस्तों, ये कश्ती सैयद भाई के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों तुम्हारे लिए है। बहुत मुश्किल से लाया हो कश्ती, संभाल कर इसको, बच्चों रखना तुम भी संभाल कर। और आप करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब इनके शाना बशाना चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय इंसान स्कूल। मजहरुल हक श्री शकील अहमद कक्की साहब, जो कैनाक फाउंडेशन का चेयरमैन है, अख्तरुल ईमान एमएलए किशनगंज, श्री गोपाल अग्रवाल एमएलए किशनगंज, डॉक्टर दिलीप जायसवाल एमएलसी किशनगंज, मोहम्मद फयाज आलम चेयरमैन जिला परिषद किशन, रजा शेख हाफिज सेक्रेटरी डीएमसी। इस इंसान स्कूल की टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, माय डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन दिस एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट कॉम्प्लेक्स नेम इंसान स्कूल एंड esteemed parents whose children are studying in this school, and ladies and gentlemen, मैंने बहुत कुछ देखा इतना कम टाइम में। I have volumes to speak, but time is short, sun is setting soon. I have to get back to Patna. But one thing I have realized, Dr. Syed Hassan ji comes from Nalanda. We saw the site of the world's biggest lighthouse of knowledge myself. And he himself, after traveling through the world, has lighted another lighthouse at Kishanganj, Shiksha Nagar, by the name of Insan School.
Thank you.